हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए वीडियो में। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। एक बार फिर से हम रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित में पिता परमेश्वर यीशु पापा का धन्यवाद करते हैं, जो यीशु मसीह ने सभी को संभाल के रखा है, जीवित रखा है, जीवितों के बीच में जीवित रखा है। इसके लिए प्रियजनों, हम सभी लोग यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वही महिमा करने के योग्य है, तारीफ करने के योग्य है, स्तुति प्रशंसा बड़ाई करने के योग्य है। उसी के द्वारा हम सभी को जीवन मिला है, उद्धार हुआ है, अनंत काल का जीवन परमेश्वर ने दिया अपने प्रेम करने वालों को। मेरे प्रियजन अब दुख में है, तकलीफ में है, समस्याओं में है, बीमारी में है, कर्ज में है, बोझ में है, नाना प्रकार की बीमारी में लिप्त हैं। तो आज आपको किसी मनुष्य से नहीं बताना है, आज आपको परमेश्वर से बताना है, आज आपको यीशु मसीह से बताना है, आज आपको यीशु मसीह से बताने की आवश्यकताएँ हैं। यीशु मसीह आपके आंसुओं को पोछेगा, आपकी बीमारियों को दूर करेगा, आपके जीवन में समस्या वो चमत्कार करेगा, आपके जीवन में समस्या वो चेंजिंग लाएगा, वो बदलाव लाएगा। ठीक है मेरे प्रभु, इस प्रार्थना को आंख बंद करके पूरा सुनेगा, विश्वास के साथ सुनेगा। वो इतना महान परमेश्वर है, इतना दयालु परमेश्वर है, वो करना निधान परमेश्वर है, कि हम सभी इतना प्रेम किया कि उसने अपना कीमती रक्त बहा दिया, गोली खाई, मार खाई, बेइज्जती सा, दुख सा, दर्द सा, मेरे प्रियजनों, उसने सभी इतना प्रेम किया। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह अनंत जीवन उसके पुत्र में है। पहला यूहन्ना 5:11 वचन में मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने वचन के माध्यम से कहा है, यीशु मसीह वह सीढ़ी है जो मैं पे विश्वास करने के द्वारा हम स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं। यीशु मसीह वह सीढ़ी जो हम स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं। यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा विश्वास ही में स्वर्ग नहीं पहुंचा सकता है, विश्वास के साथ साथ में कर्म भी करना पड़ेगा। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, जो मेरी आज्ञाओं को मानता है, जो मुझसे प्रेम करता है, वह मेरी आज्ञाओं को मानता है। मेरे प्रियजनों, यदि हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। ठीक है, क्योंकि यीशु मसीह ने हम सभी को 10 आज्ञाएं दी हैं। 10 आज्ञाएं क्या है आपको पता होगा। यीशु मसीह ने कहा है, चोरी न करना, चुगली न करना, गाली न, झूठ न बोलना, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, यही सारी आज्ञाएं यीशु मसीह ने अपने वचन के माध्यम से दिया है। यदि आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, समस्याओं में हैं, तो आज आपको किसी मनुष्य से नहीं बताना है, आज आपको परमेश्वर से बताना है, आज आपको परमेश्वर से बताने की आवश्यकता है। वो उस परमेश्वर पिता यीशु मसीह से बताने की आवश्यकता है। वो परमेश्वर इतना महान है, वो परमेश्वर इतना दयालु है, वो राजाओं का राजा है, वो करुणा निधि परमेश्वर है, आपके आंसुओं को पोछेगा, आपको चंगाई देगा परमेश्वर। बस हम सभी को यीशु मसीह के सामने निष्कलंक बने रहना है, धर्मी बने रहना है। ठीक है, यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुझे तेरे मांगने से पहले जानता हूँ, तेरी क्या इच्छाएं हैं, क्या जरूरतें हैं, क्या आवश्यकताएं हैं। यीशु मसीह हम सभी के मांगने से पहले जानता है कि हम सभी को क्या चाहिए, हम सभी की क्या आवश्यकताएं हैं, क्या इच्छाएं हैं, क्या जरूरतें हैं। मेरे प्रभु, वो इतना महान परमेश्वर है, इतना दयालु परमेश्वर है, कि वो हम सभी को पूछ में से ठहराएगा। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे उकाम्बो की तरह उड़ाऊंगा। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, आपको परमेश्वर से बताना है, अपने दुखों को यीशु मसीह के सामने शेयर करना है, अपने जरूरतों को पिता परमेश्वर से बताना है। वो परमेश्वर इतना महान है, बिना उल्लाहना हुए दिए हुए उदारता से देने वाला परमेश्वर। मेरे प्रियजनों, बस हमसे को पूरे विश्वास के साथ मांगना है। यीशु मसीह ने कहा, तुम संदेह ना करो, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रियजनों, हम सभी को यीशु मसीह के नाम से मांगना है, यीशु मसीह के नाम से पुकारना है। ओम परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु। मेरे प्रियजनों, इस प्रार्थना को आंख बंद करके और पूरा विश्वास के साथ सुनिएगा और लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करिएगा। ठीक है, चलिए प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते मेरे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु, आप महान हैं, प्रभु आप दयालु हैं, आप करुणानिधि हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं के यहोवा मेरे पिता। मेरे प्रभु, जो आपने मेरे स्वामी हम सभी को मेरे पिता जीवितों के बीच में जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों के बल में छुपा के रखा है, एक अनंत काल का जीवन दिया है, अजर मीरास का जीवन दिया पिता, जो कभी नाश नहीं होता पिता, जो अपने अपने प्रेम रखने वालों को दिया है मेरे पिता, इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। यस, हालेलुया, हालेलुया। धन्यदेशु, 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 धन्यदेशु। पवित्र, 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 पवित्र मेरे परमेश्वर पिता। कितने मनुष्य होंगे पिता, अन्य जाति लोग होंगे पिता, जो मर गए होंगे पिता, जो आपको नहीं जानते होंगे पिता, जो जानते फिर भी नहीं मानते प्रभु, वे मर गए होंगे पिता, वे कैसे स्थान पर चले गए होंगे पिता, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं, जो जहाँ का धुआं युगानुग उड़ता रहता है मेरे परमेश्वर पिता, वे उस स्थान पर चले गए होंगे पिता, जो आपने मेरे पिता हम सभी का नाम लेके बुलाए हैं,
उद्धार किया है, छुटकारा किया है, इस संसार से चुना है। पिता आपने कहा है मैंने तेरा नाम लेके बुलाया है, मैंने तुझे माता के गर्भ से ही चुना है, तू मेरा ही है। मैंने तेरा नाम अपनी हथेली पर खोद कर बना लिया है, चित्र बना लिया है, लिख लिया है प्रभु। इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवादेशु 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 धन्यवादेशु। पवित्र 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 पवित्र। आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं के यहोवा हैं, आप अल्फा ओमेगा हैं, आदि और अंत हैं मेरे पिता। आप जीवित परमेश्वर मेरे पिता, आपकी हुजूरी को आपकी उपस्थिति को मांग लेते मेरे परमेश्वर पिता। जो मसीह भाई बहन पिता इस प्राणों को आँख बंद करके पिता पूरे विश्वास के साथ सुन रहे मेरे परमेश्वर श्री पापा, और लास्ट में अमीन बोल रहे हैं पिता, और आप अमीन बोलकर रिसीव करें इस प्राणों को मेरे पिता। हम चाहते मेरे पिता आपके दास होने के नाते मेरे पिता इनके जीवन में मसीह आदेश देते मेरे पिता। जो बीमार हैं, जो खाट पे पड़े हैं, जो बेड पे पड़े हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जो आखिरी सांस ले रहे हैं, जूझ रहे हैं, जो सीरियस है मेरे पिता, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही मेरे पिता, आपके नाम से पिता ये मसीह बहन चंगे हो जाए, आजाद हो जाओ बोलकर आमीन, आजाद हो जाओ बोलकर आमीन। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 पवित्र। आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं के यहोवा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। मेरे पिता आपका वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए करूँगा, वह तुम्हारे लिए हो जाएगा मेरे पिता। आपने कहा मेरे प्रभु, इस वचन पर हम विश्वास करते पिता, इन वचनों के द्वारा पिता इनके जीवन में इस मसीह आदेश देते, इस मसीह के नाम से इनके जीवन में इस मसीह वो चेंजिंग आने पाए, बदलाव आने पाए इस मसीह इनके जीवन में, इस मसीह मिराकल कीजिए, वो चमत्कार कीजिए इनके जीवन में पिता, वो आजादी आने पाए, वो चेंजिंग आने पाए इस मसीह के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 पवित्र। आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं की यहोवा हैं, आप सृष्टिकर्ता मालिक है यीशु पापा। आपकी तारीफ, आपकी बड़ाई, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार करते मेरे परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर यीशु पापा पूरे विश्वास के साथ मेरे पिता, जो इस वक्त इस प्रार्थना को मसीह भाई बहन अपने मोबाइल पर सुन रहे हैं पिता, और विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं आमीन बोलते हुए मेरे परमेश्वर पिता। जो पिता गरीब हैं पिता, जो गरीबी में लिप्त हैं पिता, जो लाचार हैं, जो कमाने वाले नहीं है मेरे स्वामी, मेरे परमेश्वर पिता ये 100-200 रुपए पर, 1000 रुपए पर पिता अन्य जाति से उधार ना ले नहीं पाए मेरे परमेश्वर पिता, ये सबको छोड़ छाड़ के मेरे प्रभु आपके पीछे आए मेरे पिता। आप इनका जीवन संभाल लीजिए पिता, ये टूटने बिखरने ना पाए पिता। मनुष्य निर्बल कमजोर है पिता, वो टूट सकता है, बिखर सकता है मेरे पिता। मेरे प्रभु आप इनके जीवन में सुमसी वो चमत्कार कीजिए पिता, वो बदलाव कीजिए पिता, पिता इनके से लिए बदल जाए पिता, लाइफ स्टाइल चेंज हो जाए मसीह के नाम से। मेरे पिता इनके घरों के ऊपर पिता आशीष उंडेल दे पिता, बरकतें उंडेल दे पिता, तंगी परेशानी दूर हो जाए पिता, गरीबी दूर हो जाए पिता। ये बहुत ही जातियों को उधार देने बनने पाए मेरे पिता, ये मांगने नहीं मेरे स्वामी, इनके हाथ देने ले जाए इस मसीह के नाम से। मेरे पिता अपने काम में तेरे हाथ देने लिए बना दूंगा, मैं तेरे हाथ मांगने लिए नहीं मेरे स्वामी। इन वचनों के द्वारा पिता आदेश दे इनके जीवन में पिता, इनके हाथ देने ले जाए इस मसीह के नाम से। मेरे पिता आपका वचन कहता है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे। मेरे पिता आपके नाम से मांगते प्रभु, आपके नाम से पुकारते मेरे पिता। इन तमाम मसीह भाई बहनों के घरों के ऊपर पिता आशीष से उंडेल दे पिता, इन्हें पवित्र आत्मा दीजिए, पवित्र आत्मा के रंग की सहायता करें, मदद करें मेरे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते मेरे पिता, जिनके घर में लड़ाई झगड़े होते पिता, जो गंदी आत्मा के घरों में कार्य करती हैं, जो गंदी आत्मा के जीवन में विचलित करके रखे मेरे पिता, आपके नाम से पिता इनके घरों से पिता गंदी आत्माएं निकल जाए पिता, हर एक बद्रू चले दुष्ट आत्माएं निकल जाए इस मसीह के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 पवित्र। आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं के यहोवा हैं, आप सृष्टिकर्ता मालिक यीशु पापा। आपकी तारीफ करते, आपकी बड़ाई करते, आपकी स्तुति करते, आपकी प्रशंसा करते मेरे परमेश्वर पिता, जो आपने हमें संसार से चुना है पिता, अनंत काल का जीवन दिया पिता। इसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते मेरे पिता। मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते मेरे पिता, जिन बहनों के बच्चे नहीं होते पिता, जिन बहनों के संतान नहीं होते मेरे पिता, आज से पिता के जीवन में मसीह विश्वास के साथ आदेश देते मेरे परमेश्वर पिता, इन्हें बच्चे की आशीष आने पाए मसीह के नाम
से हमारे पिता के जीवन में मसीह वो बदलाव आने पाए, वो मिरेकल की जिनके जीवन में मसीह मेरे पिता हम प्रार्थना करते मेरे प्रभु, जो मसीह बाबा रात में नहीं सो पाते पिता, जिन्हें डर लगता भय लगता गंदे सपने ख्याल विचार रहते प्रभु, मुझे विश्वास है पिता पिता जब ही डरते पिता तब इन्हें सुख की नींद आने पाए पिता, इनके चारपाई के पास प्रभु आपके लहू का बाड़ा बांध देते पिता, आपके दूतों का बाड़ा बांध देते इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे परमेश्वर पिता आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भाई ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी मेरे पिता। इन वचनों के अंदर पिता इनके सहायता करें मदद कर पिता, मुझे आशा है विश्वास है यीशु पापा आपने प्रार्थना को सुनना है, छोटी स्मृति उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करेगा, आमीन।